सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और अब उनका परिचय इस रूप में है कि वो कृषि मंत्री भी बिहार सरकार में हैं। आज गंभीर आरोप पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके ऊपर लगाए और जैसा हमने पहले भी कहा, कल सुशील मोदी के ऊपर आरोप लगाए गए थे बिहार सरकार के इस वक्त के मंत्री की रामानंद यादव की तरफ से, लेकिन सुशील मोदी ने अपने आरोपों की सफाई नहीं दी, उल्टा उन्होंने सुधाकर सिंह के आरोप मढ़ दिए हैं। क्या कुछ कहा है? ये कहा है कि वो गबन करते हैं, सरकार का पैसा उनके ऊपर बकाया है, उनकी दो दो राइस मिल हैं। एक एक करके विस्तार से बड़े आरोपों की बात कर लेते हैं। दरअसल सुशील मोदी ने ये गंभीर आरोप सुधाकर सिंह पर लगाए हैं। उनका कहना है, यानी सुशील मोदी का कहना है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की दो राइस मिले हैं। सुधाकर सिंह पर सीएमआर चावल के गबन का आरोप है। सुधाकर सिंह पर राज्य सरकार का 12 करोड़ रुपए का बकाया है। 2012 से लेकर अब तक की नीति को बताया उन्होंने गलत, और साथ ही साथ गलत नीति बताकर उसे बदलवाने की बात हो रही है। जिस राशि का गबन यानी जिस रकम का गबन हुआ वो राज्य की संपत्ति है। और साथ ही साथ सुशील मोदी ये भी कह रहे हैं कि कहीं लालू और जगदानंद के दबाव में राहत ना दे दें, तो ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह के ऊपर इतने आरोप हैं जैसा सुशील मोदी की तरफ से कहा जा रहा है, और उनको ये आशंका भी है कि इन आरोपों को लेकर राहत ना दे दी जाए सुधाकर सिंह को, और सुधाकर सिंह को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, यानी कि कृषि मंत्री के पद से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बात भी, ये मांग भी यहाँ पर रखी है सुशील मोदी ने। FIR में स्पष्ट रूप में लिखा है, यानी FIR का हवाला दे रहे हैं, उस FIR में ये लिखा गया है कि 420 का फोर्जरी का यह मामला है। दो राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक FIR दर्ज कराई। FIR का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस FIR में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5,31,00,000 रुपए का गबन किया गया है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है, अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया, और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60,00,000 रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60,00,000 जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5,31,00,000 और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ दें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। कहीं लालू जी और जगताप बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर से और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और अभी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। थाना अध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को जो पत्र लिखा है और जिसके आधार पर FIR दर्ज हुआ और अपने एफिडेविट में उन्होंने सेक्शन का जिक्र किया 420, और मैंने तो आपको पढ़ दिया कि इनके द्वारा गबन किया गया है, तो टेक्निकल चीज भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। एक तरफ सुशील मोदी का यह कहना है कि अदालत से राहत नहीं मिली है, अदालत की तरफ से वसूली करने के तरीके को बताया गया है। थोड़ा इसको विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे और इसके राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ रजनीश सीधा जुड़ रहे हैं। रजनीश, समझाइएगा जरा दर्शकों को जो सुशील मोदी समझाना चाह रहे हैं, और राजनीतिक पक्ष भी ये जानना चाहेंगे, अगर सुशील मोदी के ऊपर कल आरोप नहीं लगे होते तो आज क्या वो इस तरह से सुधाकर सिंह के खिलाफ आरोप लेकर आते, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या उन्होंने कोई सफाई दी, कोई जवाब दिया क्या? देखिए, उनके ऊपर जो आरोप हैं उसका उन्होंने स्पष्टीकरण कल देते हुए एक सप्ताह की मोहलत दी है, जिसमें अगर माफी नहीं मांगा जाता है तो फिर वो
कानूनी कार्रवाई करेंगे मानहानि का। तो उनकी बातें जो है वो अब स्पष्ट हो गई हैं, उनकी ओर से बातें कह दी गई हैं और आज उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया, अब वो इंतज़ार करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज जो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कृषि मंत्री पे, और वो एक प्रपत्र लेकर हाजिर हुए और दो आम जनता को, आम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम सीधे शब्दों में समझाएं, तो सुधाकर सिंह का दो राइस मिल है। एक जो है वो है ये सुधाकर राइस मिल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है सोन वैली राइस मिल। ये दोनों जो है रामगढ़ में है, तो सीधा सीधा दोनों में जो FCI है उनकी ओर से जो उठाव होना था और जो इनके दोनों राइस मिल से जिस मात्रा में, यानी कि सुधाकर राइस मिल से 3653 क्विंटल CFR है और वैसे ही सोन वैली से भी है, तो इस ये इतना का गबन जो है हुआ, यानी इतना चावल कम दिया गया तो जो निर्धारित था, इसको लेकर लगातार प्रपत्र भेजा गया, उन्हें आगाह किया गया, बार बार मांग की गई, बावजूद इसके 2013 का मामला है जो दोनों मिल है उनकी ओर से ये चावल, बिल्कुल ये चावल जो है जमा नहीं कराया गया, उपलब्ध नहीं कराया गया। लिहाजा FIR थाना अध्यक्ष जो है रामगढ़ जिला कैमूर, ये 2013 का मामला है, जबकि प्रपत्र लिखा गया है रामगढ़ थाना अध्यक्ष को कि इनके मामले में आपराधिक मामला जो है दर्ज किया जाए चावल के गबन को लेकर, और उसकी जो मूल्य है उस राशि को सुशील कुमार मोदी दोनों राइस मिल का मिलाकर और इसके अलावा जो अभी तक का ब्याज है उसको मिलाकर लगभग 12 करोड़ रुपए बता रहे हैं। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि अब चूंकि वो शामिल है, कृषि मंत्री हैं, सरकार उनकी है, साथ ही साथ इसमें सहकारिता का भी मामला है और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं, तो उनको डर है कि चूंकि RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ये बेटे हैं, तो लिहाजा ये पूरा मामला जो है ऐसा न हो कि इसे माफ़ कर दिया जाए, नियम में तब्दीली कर दी जाए और उनको राहत दे दी जाए। तो इस बात को लेकर सुशील कुमार मोदी उपस्थित हुए और सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये जो दोनों मामले में चावल गबन का मामला है, पैसा जमा नहीं किया गया है और साथ ही साथ उन्हें कोई राहत जो है वो नहीं मिली है, इन प्रपत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं और एक बार फिर से आरोप लगाया है। तो अब ये देखना होगा कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ओर से क्या कुछ इस पर सफाई देते हैं। बहरहाल अभी वो कैमूर में हैं और पटना में उपलब्ध अभी नहीं है, तो उनकी प्रतिक्रिया का मैं बल संक्षेप में जानना चाहूंगा रजनीश, अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए। 2013 का आपने जिक्र किया, BJP और JDU की सरकार थी उस वक्त, NDA की, और 2013 का ये मामला, अब 2022 में गड़े मुर्दों की तरह बंद बोतल में से जिन की तरह इसको निकाला जा रहा है बाहर। इतने साल आपकी NDA की सरकार थी, बीच में कहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ, आप शांत रहे, खामोश रहे, निकाल रहे हैं मामले, मतलब इस बात, प्लीज बोलिए। हमने रविंद्र जी, हमने इस बात को उनसे पूछा था कि वो सरकार में शामिल थे इस दरमियान, चूंकि मामला 2012-13 का है और उप मुख्यमंत्री के तौर पे वित्त की जवाबदेही जिम्मेदारी भी इनके पास थी, तो आखिर इस दरमियान सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये मसला जो है आते रहा है, मीडिया में भी आते रहा है, यानी गोल मटोल जवाब जो है इस मसले का दिए, लेकिन अब चूंकि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष के नेता के नाते वो अब इस पर जोर शोर से सवाल उठाते हुए इन्हें कटघरा में खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या ऐसे जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। तो एक तरीके से मंत्रिमंडल के में जो लोग शामिल है उस पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ सुधाकर सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल जो है, बिल्कुल, अब इंतजार होगा, साथ रहे निशान, जवाब तो आएगा नहीं किसी का, सफाई किसी की लगता नहीं आएगी। अब नए आरोप किस रूप में सुशील मोदी या फिर BJP के किसी और नेता के सामने खिलाफ आते हैं वो देखने वाली बात होगी और दर्शक खुद समझ रहे होंगे, बिहार के लोग खुद समझ रहे होंगे कि आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं लेकिन आरोपों की सफाई कहीं से भी नहीं निकल कर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पूरी बातचीत के लिए। और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त रांची से भी आपको बताएंगे, जहां पर ED की टीम कोलकाता से अधिवक्ता जो पकड़े गए थे 50 लाख कैश के साथ, उनको रांची लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें 50 लाख की बड़ी रकम के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार किए गए थे। ED के अधिकारी रांची के जोनल ऑफिस पहुंचे हैं उनको लेकर और उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां टेस्ट कराने के बाद वापस राजीव को ED ऑफिस लाया गया। कल देर रात अधिवक्ता राजीव कुमार को रांची के ED ऑफिस में लाया गया था और इससे पहले रांची के ED कोर्ट में राजीव कुमार को कोलकाता जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अब उन्हें ED कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यहाँ पर भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईडी की टीम किस रूप में जो 50 लाख का कैश बरामद हुआ था अधिवक्ता के पास से, क्या उनका मकसद था, कहाँ से वो कैश ला रहे थे, कहाँ उनको डिलीवर करना था, और किस तरह से जो बाकी विधायक भी अगर पकड़े गए थे कांग्रेस के, उनके साथ क्या कुछ गठजोड़ था, क्या था, ये बहुत एक बड़ तरह से कहें कि ईडी के तमाम जांच के पहलू हैं। कामरान से हम बात करने की कोशिश करते हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं कामरान, हमारे सहयोगी रांची से। कामरान, ये बताइए कि किन बिंदुओं पर ईडी की तरफ से अधिवक्ता से पूछताछ हो रही है और कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, राजीव कुमार को जब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और इस मामले पे ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी ईडी ने राजीव कुमार को कस्टडी में ले लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब जो है आगे की कार्रवाई ईडी करेगी, उनसे पूछताछ की करेगी, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि राजीव कुमार की तरफ से या राजीव कुमार के परिवार की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आए थे और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली उनके परिवार वाले जुड़ गए हैं जो राजीव कुमार को से मिलने आए थे, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके फादर पर जो एलिगेशन लगा है उसे किस तरीके से देखते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि राजीव कुमार पर जो एलिगेशन लगा है 50 लाख रुपए के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था, आपका पक्ष क्या है? मेरे पापा को फंसाया गया है और ये बात कई बार पापा ने कहा है हमसे कि देखो बेटा, आज नहीं तो कल मैं बड़े लोगों से लड़ रहा हूँ, कोई छोटे लोग नहीं है, वो आज नहीं तो कल तुम हम लोग को या मेरी फैमिली को हार्म ज़रूर पहुँचाएंगे। बस ये था कि वो आज नहीं तो कल वो आज आ ही गया था। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अब मामला ईडी के हाथ में है, ईडी मामले को लेकर जाँच कर रही है। मैं बस ये चाहती हूँ कि ईडी से मेरी पूरी होप है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी सच है वो सामने आएगा लोगों के। एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आपके पापा को फंसाया गया है, तो फिर 50 लाख रुपए के साथ जो उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसे किस तरीके से देखें? और कई और बातें भी सामने आई थी कि किसी केस को मैनेज करने को लेकर कुछ पैसे लिए गए थे। अगर मेरे पापा केस ही मैनेज करते, कैसे मैनेज कर सकते हैं? जो केस इतना एक लेवल पे पहुंच चुका था जिसको बैकआउट नहीं किया जा सकता था, वो केस मैनेजेबल नहीं था। और ये बस एलिगेशन लगा देना कि हाँ पापा केस मैनेज कर रहे, तो ये नहीं है, वो अभी एलिगेशन है, उसको प्रूफ होने का टाइम दीजिए। फिर अगर ये सच है तो वो सच सामने आएगा। और पैसों के साथ जो अरेस्टिंग हुई, वो तो हमें अब तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था वहाँ पर। हमें ना पापा से बात करने दिया गया, ना हमें बताया गया एग्जैक्टली कि हुआ क्या है। तो हमें उस सिचुएशन में पैसा कैसे हाथ में आया, क्या आया, हमें कुछ नहीं बताया गया। अब आप लोगों का लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी ईडी कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है, तो अब आप क्या? मैं बस ये है कि ईडी से मेरा पूरा होप है कि वो करेंगे, जो सच होगा वो सच सामने आएगा और ईडी बहुत एक बड़ी सेंट्रल एजेंसी है, वो सच लाएगी सामने, बस मेरा इतना ही है। जी बिल्कुल, देखिए, उनकी उनकी बेटी हैं राजीव कुमार की, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन पर जो आरोप लगे हैं, यानी राजीव कुमार पर जो आरोप लगे हैं, वो बेबुनियाद हैं। हालांकि कई चीज़ें जांच का विषय हैं और इन्हें उम्मीद है कि जब ईडी मामले को लेकर जांच करेगी तो कई चीज़ों का खुलासा होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि अगर एलिगेशन में सच्चाई पाई गई तो कार्रवाई उसी अकॉर्डिंग की जाएगी, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके पापा ने पहले ही कहा था कि उन्हें मामले को लेकर फंसाया जाएगा और इसी तरीके से हुआ भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कामरान आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे, दरअसल अगर बिहार को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर जो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और झंझारपुर, ये वो इलाके हैं जिनको मिथिलांचल के तौर पर पहचान मिली हुई है। मिथिला भाषा यहाँ पर, या कहें कि बोली यहाँ पर बोली जाती है, और उस लिहाज से मिथिलांचल को लेकर लगातार से आवाज़ उठती रही है कि एक अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए, बिहार से इसको अलग बनाया जाना चाहिए, और ये मांग लगातार इस वक्त एक बार फिर से उठ चुकी है। और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि कई दशकों से मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है और मैथिली बोलने वाले लोगों की ये मांग है कि अलग राज्य बनना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमारी संस्कृति आम बिहार वासियों से थोड़ी अलग है, हम संस्कृति के हिसाब से बहुत समृद्ध हैं, इसीलिए हमें एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आपको जैसा हमने बताया, मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर या समस्तीपुर जैसे क्षेत्र आते हैं और इन इलाकों में ज़्यादातर मैथिली बोली जाती है। हमारी सहयोगी नेहा की इस खबर को देखते हैं जहां उन्होंने ये जानकारी ली कि किस तरह से लोग मिथिलांचल के नाम पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। को अलग राज्य की पहचान दिलाई जाए, इसके लिए मैथिल
और मिथिलांचल से करीब 5,000-10,000 से ज्यादा लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जरूर आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ मिथिलांचल से लोग पहुंचे हैं। मिथिलांचल के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे, दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, तमाम जगहों से, सहरसा से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और सभी का एक ही मांग है कि बिहार मजबूरी छे, मिथिला जरूरी छे। अब मिथिला कितना जरूरी है और आगे कितने मेहनत से इन लोगों ने मांग की है, क्या इनका परिश्रम रहा है, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम हो? अनूप मैथिल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आप लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं मिथिला को अलग राज्य की पहचान दिलाने के लिए, मिथिलांचल के तमाम लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पहुंचे, कितना परिश्रम लगा, कितने दशकों से आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, ये मांग 100 साल पुरानी मांग है, लेकिन वर्तमान में युवाओं ने खुद कमान आगे ले लिया है और हम लोग नारा दे रहे हैं कि हम मैथिल जी बिहारी नहीं, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे बिहार में मगध में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है और हमारे यहाँ के लोग, मिथिला के लोग चचरी के पुल पर चलने को मजबूर हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में जबरदस्ती फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, पटना में ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है और हम लोग सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया के लोग मांग कर रहे हैं कि एक ओवर ब्रिज बना दीजिए, एक ओवर ब्रिज बना दीजिए, वो नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये बिहार, अब नीतीश जी क्या कहते हैं कि बिहार में मिथिला पिछड़ा है, हाथी का दांत जानती है ना, एक होता है खाने का, एक दिखाने का, तो दिखाते हैं कि मिथिला पिछड़ा है, लेकिन जब विकास की बात आती है, आईआईटी हो, आईआईएम हो, फैक्ट्री हो, कल कारखाना हो, एयरपोर्ट हो, तो वो क्या करते हैं, सब मगध में खोलते हैं। तो हम लोगों ने नारा दिया है कि हम मैथिल जी बिहारी नहीं, अब हम लोगों को जननायक, जनसाधारण, श्रमजीवी जैसा मजदूर को ले जाने और आने वाला ट्रेन नहीं चाहिए, अब हम लोग मजदूर सप्लाई जोन नहीं बनेंगे भैया। एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो संविधान में, 10,000 लोग आए हैं आज। आगे इनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा और अपने राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए, मिथिला को एक राज्य के तौर पे पहचान दिलाने के लिए यहाँ जंतर मंतर में करीब 5,000 से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं। मिथिला के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और तमाम झंझारपुर, तमाम जगहों से लोग यहाँ पहुँचे, एक स्वर में लोग यहाँ आवाज़ दे रहे हैं कि अब बिहार नहीं, अब मिथिला की बात होगी, मिथिला को राज्य का दर्जा बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को प्रदान करना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ दी है आजी मीडिया दिल्ली। तो ये मिथिलांचल के अलग राज्य की बात रही, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहेंगे। दानापुर के मनेर में हल्दी छपरा मार्ग के पास एक अवैध रूप से बालू लदी हुई नाव पलट गई है, तेज हवा के झोंके के कारण वो पलट गई है। 18 लोग उस पर सवार थे, 6 लोगों को तो बचा लिया गया है, जैसे तैसे बाकी की तलाश की जा रही है, लापता बाकी लोग हैं, यानी कि 12 के आसपास लोग अभी भी लापता हैं, हालांकि हो सकता है 18 की संख्या बताई जा रही है, बढ़ भी सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अवैध बालू लदे नाव को मनेर से गोविंदपुर वैशाली ले जाया जा रहा था और इसी बीच में ये हादसा हो गया। तेज़ हवा का झोंका आया और तेज़ हवा के कारण नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, नाव पलट गई, 18 लोग सवार, 6 को तो बचा लिया गया लेकिन बाकी को बचाने की कोशिश की जा रही है और सभी दुआ कर रहे हैं कि जो लोग बाकी डूबे हैं उनमें से ज़्यादा को सुरक्षित निकाला जा सके। हम लोग गए भी थे वहाँ घाट पे, लेकिन नाव डूबी है, लेकिन वो डूरीगंज थाना में पड़ता है, सिंहही के सामने, सिंहही बाजीतपुर, वहाँ पे नाव डूबी। लापता होने की भी सूचना है कई लोग? सूचना तो है कि लापता हुई है, लेकिन अब कितने हैं लोग उसमें ये हुए हैं ये पता नहीं है। कि हम घाट पर गए तो वहाँ के प्रतिनिधि द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा पूछे जो यहाँ पे कोई नाव डूबी है, तो वो लोग बोले कि नहीं, अपने एरिया में नहीं है, वो डोरीगंज के एरिया में डूबा हुआ है कल का, आज का कोई ऐसा घटना है इस मनेर थाना में कुछ नहीं है। कुछ लापता भी है उसमें? बोल रहे लोग कि 4 आदमी लापता है, लेकिन इधर नहीं है, उधर ही है। और इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड समेत सारी जरूरी खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।